हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? और अभी तनीजा के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो बस मैं उसे जा रही हूँ लेने के लिए। और थोड़ा सा हस्बैंड बिजी हैं आजकल, तो मैं सोची चलो मैं ही व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। तो कल क्या हो गया था ना कि तनीजा को मैं थोड़ा सा पढ़ाते वक्त पिटाई कर दी थी रात में। तो मतलब बच्चों तो मार देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जब सो गई उसके बाद उसको एकदम गोद में लेके सुलाई, और फिर तब से मेरा मन मतलब अजीब सा लग रहा है। कोई भी वीडियो देखते हैं उसमें बच्चे लोग, तो फिर उसी की याद आने लगी। तो मैं सोची कि क्या करूं जिससे कि थोड़ा सा उसको अच्छा लगेगा। तो मैं हस्बैंड को बोली कि काम कीजिए, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दीजिए। तो अभी दोपहर का टाइम है, मैंने सोची कि उसे कुछ सरप्राइज़ देती हूँ कि आज हम लोग करने वाले हैं पिज़्ज़ा पार्टी। तो बस मैं दोनों ही करूँगी, हस्बैंड अभी कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, तो मतलब वो हम लोगों को ज्वाइन नहीं करेंगे, वो अपना बाहरी फ्रेंडों के साथ लंच करेंगे। तो मैं बोली कि फिर मैं लंच बनाऊँगी नहीं। तो अभी मैं तनु को जा रही हूँ लेने के लिए स्कूल से, वो आने वाली है और कभी भी पिज़्ज़ा आने ही वाला होगा। तो उसका रिएक्शन देखते हैं कैसा है। और वो मतलब सबसे पहले तो उतरती है, आती है ऑटो से, उतरती है, बोलती है क्या बनाइयो खाने में। तो देखते हैं आज बोलती है तो मैं ऐसे बोलती हूँ तो उसका रिएक्शन क्या होता है। तो अच्छा लगता है, बच्चे एकदम से खुश हो जाते हैं ना, तो बहुत मज़ा आता है देखने में। तो चलिए नीचे चलते हैं और दिखाते हैं उसका रिएक्शन। तो पिज़्ज़ा वाले भैया जो है ना, वो ऊपर है मतलब वो ऊपर गेट पे हैं, और मैं नीचे आ गई तनु को लेने। हस्बैंड का कॉल आया कि तुम है कहाँ, पिज़्ज़ा वाले गेट के पास हैं। तो अभी मैं बोली उनको बोल दीजिए कि मैं नीचे हूँ, तो नीचे ही भेज दीजिए। मैं लिफ्ट से गई आई नीचे, मुझे वो दिखे नहीं, पता नहीं, हो सकता है किसी फ्लोर पे वो होंगे। क्या बोल रहे हैं? मैंने नहीं बिगाड़ा, क्या आज तुम पूछी नहीं क्या बनना है? पनीर चिल्ली। हाँ पनीर चिल्ली। पनीर चिल्ली? हाँ नहीं तब बैगन। मम्मी आज ना मुझे भूख नहीं लगी। भूख नहीं लगी है ना? चलो याद रखना कि तुम्हें भूख नहीं लगी आज, ठीक है? चलो नहीं, बस लंच में भूख लगा है। लंच में इसकी हाँ थोड़ा सा काफी है, एक पूरी और थोड़ा सा और नहीं। तो मतलब जो एक पूरी बची उसमें थोड़ा सा बाकी है। हाँ हम तो आप क्या सीरियस गए थे? नहीं तो हम तो देख है। क्या कह रही हूँ, बैगन बना है। पकड़ो पकड़ो दोनों पिज्जा, ये दोनों मेरा है। चॉकलेट ना उसका मसाला है, वो है सीजनिंग है। अरे अच्छा लगा। क्या हुआ? क्या तुम तो आज लंच नहीं करने वाली थी ना? मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा खा ही लेते हैं। नहीं लाओ मेरा है। नहीं, वो अच्छी बात है खाना, नहीं खा ही लेते। जो लंच छोड़ी हो ना वो लंच पहले खाना होगा तुम्हें। अरे फिर ना वो हो जाता है, खराब हो जाता। नहीं हो जाता है, जो लंच छोड़ी हो उससे पहले एप्पल खाई हो? हाँ। दोनों? अरे हाँ चट चट के। अच्छा पहले तुम्हारा लंच बॉक्स देखूंगी, उसके बाद ही तुम्हें वो मिलेगा। एप्पल तो खाई हूँ, तो फिर वो तो अनहेल्दी होता है ना, तो वो मैं खा लूंगी। क्या? नहीं ये भी ना देखिए, इसमें कैप्सिकम। कैप्सिकम खाते हो तुम? नहीं मतलब मैं कह रही हूँ कि कैप्सिकम, आज कैप्सिकम खाओगी ना? ऐसे नहीं, तो कैप्सिकम पनीर ऑनियन नहीं होता है हेल्दी। तुम ऑनियन और कैप्सिकम साइड कर देती हो, बस पनीर खाती हो। अरे बाप रे, लिफ्ट भी तो आज हम लोगों को बहुत लेट करेगा। ऑनियन मैं खाती हूँ अब। कैप्सिकम भी खाना होगा, जो जो तुम्हारे वाले पिज्जा में होगा वो सब खाना होगा। बोलो मेरा कौन सा पिज्जा है? अभी अब रखो, फिर गिरेगा सारा चीज। तो इसी में बोली हूँ कि जो जो तुम्हारे पिज्जा में होगा वो तुम्हें सब कुछ खाना होगा, ठीक है? ठीक है बोलो। हाँ दो मैंने फोर बनाया आपने देखा नहीं? ओ
तो चले हम लोग चलते हैं। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, ब्रेकफास्ट भी मैं बहुत थोड़ा सा खाई थी। मेरे बाल देखे कितने बड़े हो गए वापस। मैं बोली थी ना कि 5-6 दिनों में फिर तुम्हें अच्छा नहीं, ये बाल देखिए मेरे बाल कितने बड़े। तो ये आ गया पिज्जा, ये दोनों सेम ही क्या मंगवाए हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दोनों सेम ही पिज्जा मंगवाए पापा ने, पैसा आप दियो। हाँ तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग एंजॉय करते हैं पिज्जा। ये उन्होंने ना बोला होगा एक कम वेज एक ज्यादा वेज, नहीं इक्वल ही है। तो अब हम लोग एंजॉय करते हैं अपना पिज्जा क्योंकि मुझे भूख लगी है बहुत तेज मुझे मेरी। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये हस्बैंड मंगवाए थे, अब इसे मैं मतलब ये जब सेट हो जाएगा तब आपको दिखाऊंगी कि ये है क्या। वैसे मैंने कल के ब्लॉग में भी बताया था कि ये कुछ मंगवाया है, इसे मैं दिखाऊंगी जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और देखिए ये है क्या। तो ये देखिए तो यहाँ ये भैया जो है इसे इंस्टॉल कर दिए हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है जिसे मैं यहाँ लगाने वाली हूँ। तो चलिए अब इसे लगाते हैं और ये देखिए ऑर्डर किए थे हस्बैंड जो आ गया है, जिसको मैं मतलब थोड़ा बहुत इसके ऊपर सो पीस वगैरह रख दी हूँ। तो ये अभी तो लाइट जल रहा है तो आप देख रहे हैं, और फिर से मैं आपको दिखाती हूँ जब लाइट ऑफ करते हैं तो ये कैसा लगता है देखने में। तो ये देखिए ये जो मैं खरीदी थी बहुत पहले मतलब पिछले दीपावली में, वही वाला लैम्प है, इसको मैं यहाँ लगा दी हूँ। तो ये कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। ये मतलब जो भी है अलग अलग नाम से लोग इसे कहते हैं, टीवी पैनल या जो भी नाम है इसका, शोकेस, कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रही हूँ, सीढ़ी से जा रही हूँ मैं नीचे, और मतलब ऐसा हो गया था कि मैं कितने देर से खड़ी थी अपने फ्लोर पे लिफ्ट का वेट कर रही थी, लेकिन फिफ्थ फ्लोर पे लिफ्ट काफ़ी देर से रुका हुआ था। सब लेडीज़ लोगों तो होता ही है थोड़ा सा लेट, गप सप करके घुसते हैं अंदर सब। तो वही फिर गया, फिर से लाइट गई। लाइट कुछ ज्यादा ही कट रहा है। तो अभी बता रहे थे जो मतलब भाई साहब हम मतलब क्या कहते हैं टॉर्च दिखा रहे थे कि डीवीसी या कहाँ पर बता रहे थे कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है अभी, पेड़ों का कटाई चल रहा है कि क्या हो रहा है, जिस वजह से बार बार लाइट जा रहा है। तो हमारे तरफ लाइट का बहुत अभी प्रॉब्लम हो रहा है। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ काम करूँ जाकर मतलब जिससे मतलब लाइट से जो काम हो, जैसे कपड़े धुलते हैं मशीन वसीन चलता है तो लाइट होना चाहिए, तो देखती हूँ लाइट ही कटा हुआ है। या सोचती हूँ पानी गर्म कर लेते हैं तो लाइट ही कटा हुआ है। तो यही हो रहा है आजकल। तो फ्रेंड्स अभी मैं आई थी कुछ दूध लेने और कुछ कुछ ग्रॉसरी का सामान मतलब बिस्किट वगैरह ये सब। बाउल का है ये, बच भी सकते बात के लिए। हाँ तो ये लो ना एक बार में पीने के लिए। तो ले लो। आप जाइए कि नहीं जाइए कल, सच्ची कल नहीं जाएगी कहीं भी। और कुछ बड़ा आया है बॉडी टू बॉडी मसाज करवाएंगे, मैं अभी बहुत बॉडी टू बॉडी मसाज करवा रहे हैं। तीन लड़की चाहिए, तीन लड़की चाहिए, तीन और चार चार मसाज करवाएंगे, बॉडी टू बॉडी मसाज करवा रहे हैं। चार मसाज आप करवाइएगा पक्का? प्रॉमिस? क्या करवाइएगा? प्रॉमिस क्या? चार मसाज करवाइएगा क्या? आप ही ना बोले जी कि चार बजे करवाएंगे, हम चार बजे करवाएंगे। हाँ तो बकवास कीजिए, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ? कल आप सुनिए मेरा बात, इतना विश्वास रखिए कहीं कोई नहीं आ रहा है, आप आराम से जाइए, पार्टी एंजॉय कीजिए। नहीं जाना हमको कहीं पार्टी में, ना खुद एंजॉय करेगा ना पति को एंजॉय करने देगी। अरे तो बकवास कीजिएगा आप, करिएगा बकवास। हमको कहीं जाना, रास्ता हटिए आपका, वैसा हल करेंगे कि आप कोई कठिन लाइट नहीं।
फिर कैसे होगा फिर हैं, कैसे होगा फिर, ए फिर कैसे हुई? अरे मेरा बॉडी जो है पूरा सूख रहा है, तो कम से कम सूख रहा है आपका बॉडी, चलिए तेल में नहा लेते हैं, गर्म कढ़ाई में डाल देते हैं आपको, चलिए क्या करना है आपको, पकौड़ा बनाना है मेरा है? जो आएगी ना वही लोग उन्होंने खाएगी, आपने खाइएगा सूख रहा है बॉडी, पता नहीं क्या कर रहे हैं बॉडी से जो सूख रहा है, मसाज वगैरह चाहिए आपको ना? रुकिए ना, हम अभी बुलाते हैं, मेरा भी मसाज करेगी और आपका भी करवा देते हैं, जो लोकल आती है ना बुढ़िया को बुलाएंगे, बुढ़िया दादी मामा को तो उसे ना, उससे हमको दिक्कत नहीं है, सामने करवाएंगे, ठीक है आप करवा लीजिए, आपका करवाएंगे उसे, हम कहेंगे करवाएंगे क्यों, अभी तो आपको हम लगा लेंगे तेल, हम अपने सरसों तेल लगा लेंगे, नहीं हम अभी बुलवाते हैं ना बुढ़िया को, बुलाइए आप ही, अभी बुलाते हैं आपका भी कर देंगे, मैं फोन दीजिए, हाँ कैसे फोन दीजिए, मेरा फोन दीजिए, आइए आइए दे रहे हैं, क्या करवाइएगा आप, हाँ हम कुछ नहीं करवाएंगे, चुप हटिए, दिखाइए शरीर अपना, दिखाइए तो जरा, देखिए कितना सूख रहा है, हैं हम अपना सूख सूखापन नहीं दिखाना चाहते हैं किसी को, चले अपना एंजॉय करते हैं, आप कीजिए एंजॉय, हम भी करेंगे एंजॉय, पता नहीं उस रूम में किसके साथ एंजॉय करिएगा, रूम में नहीं जा रहे, इस रूम में जैकेट नहीं आ रहा, जैकेट जैकेट पहनेंगे तब ना जाएंगे,